हे गाइस, ब्लैक एंड व्हाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम कहते हैं IMF। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि IMF है क्या, कुछ उसके फास्ट फैक्ट्स, एम और ऑब्जेक्टिव क्या है IMF का, स्ट्रक्चर क्या है IMF का, IMF कोटा क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक IMF कोटा के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और उसका स्ट्रक्चर। तो IMF कोटा क्या है, मिशन और स्ट्रेटजी क्या है IMF की, और IMF के फंक्शंस क्या क्या, रोल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज IMF जो है वो परफॉर्म करता है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं कि IMF क्रिएट क्यों हुआ था। तो ब्रेटन वुड की कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड स्टेट में जुलाई 1994 में, जिसमें वो डिसीजन लेती हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आने वाले टाइम में ग्रेट डिप्रेशन जैसी स्थिति या फिर वर्ल्ड वार टू जैसी स्थिति या वन जैसी स्थिति से निपटारा कर सकें। तो जो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, ये होती है वर्ल्ड वार टू के बाद। इसका मेनली रीज़न क्या था ये कॉन्फ्रेंस करने का, ताकि जो ग्लोबल लेवल पे हम एक दूसरे के साथ वॉर्स कर रहे हैं या कुछ डिप्रेशन जैसी स्थितिज आती हैं इन वॉर की वजह से, तो उन जैसी स्थिति वो फ्यूचर में ना आए, कोई ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो ताकि हमें फिर से वॉर करनी पड़े, जिसकी वजह से जो हमारे ईंधन्स होते हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं, वो सारी ना हो। इसके साथ साथ ना कि हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बल्कि ग्लोबल लेवल पे जो सारी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को भी डेवलप करें, ताकि हम बनाएं वन नेशन वन वर्ल्ड। तो अब जानते हैं IMF के बारे में। IMF में करंटली 189 कंट्री मेंबर्स हैं। ये कंट्री मेंबर्स कैसे होती हैं, एक कोटा सिस्टम होता है, जिसे हम आगे चल के देखेंगे कि कोटा सिस्टम क्या है। उस कोटा सिस्टम के बेस पे कोई भी कंट्री IMF की मेंबर बनती है। यहाँ पे मेंबर कोई कंट्री बन भी सकती है और कई कंट्री अपनी इस मेंबरशिप से बैकआउट भी कर सकती हैं। तो ये मेंबर कंट्री के ऊपर होता है कि वो इसकी मेंबर बनना चाहती हैं या नहीं बनना चाहती हैं। अगर बनना चाहती हैं तो जो भी IMF का कोटा सिस्टम है उसी के बेस पे इन्हें जो है मेंबर बनाया जाता है। तो IMF करता क्या है, जो ग्लोबल लेवल पे हमारा जो मॉनिटरी सिस्टम है, कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनमें एक कॉरपोरेशन बनाए रखता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कि जैसे हम देखते हैं कि आज एक डॉलर की कीमत है 70 रुपीज़, कल को ऐसा ना हो कि इसी की कीमत 75 हो जाए या इसी की कीमत 755 हो जाए। तो यहाँ पे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखता है, ताकि कोई ज़्यादा अप डाउन या फ्लक्चुएशंस ना आए। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो IMF की मेंबर कंट्रीज़ है, ये मिल के एक साथ ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हम पढ़ रहे हैं, ग्लोबल मॉनिटरी कॉरपोरेशंस के रिलेटेड है, चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट को हमें प्रमोट करना है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रखना, ये सारी जो मेंबर इसकी कंट्रीज़ है ना, ये मिल के इसमें सोच विचार करती है। तो जैसे कोई इंटरनेशनल ट्रेड है कि कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, आपसी संबंध जो है वो अच्छे बना के रखें, उसके बाद एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अडोप्ट करें। आज जो कंट्री है वो ग्रोथ के लेवल पे जा रही है, तो ग्रोथ की ओर ही जाए, ना कि वो डिप्रेशन में आ जाए। तो इस तरह से इकोनॉमी की जो है स्टेबिलिटी में ग्रोथ बनी रहे। जो पॉवर्टी है अराउंड द वर्ल्ड, जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं, वहाँ की जितनी भी पॉवर्टी लेवल है, उस पॉवर्टी लेवल को हमें कम करके लोगों को अपलिफ्ट करना है, ताकि वो भी अपनी इनकम जनरेट कर सकें। तो IMF जो है वो 1944 में ऑर्गेनाइज हो चुका था, लेकिन जो उसकी वर्किंग है वो 1945 में स्टार्ट हुई थी। तो ये जो IMF है 189 कंट्री के लिए अकाउंटेबल है, और इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा ये गवर्न किया जाता है। अब ये नहीं कि अगर IMF का एक हेडक्वार्टर है तो वहीं पे सारा इसका संचालन होगा, कोई भी पॉलिसी बनेगी वहीं से बनेगी। जो भी ये 189 मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स मिल के पॉलिसीज़ बनाते हैं, देखते हैं कि हमें किस तरह काम करना है इन सभी फैक्टर्स को लेके, जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड को, इकोनॉमी की ग्रोथ को, पॉवर्टी को कम करना, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देना, इन सब की हमें ग्रोथ कैसे करनी है, ये सारे मिलकर आपसी जितने भी मेंबर हैं उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो कुछ फास्ट फैक्ट्स क्या हैं IMF के बारे में। जैसे मैंने कहा कि 1944 में ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन 1945 से ये कार्यशील हुई थी, मतलब इसने अपनी वर्किंग या ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। 189 जो है इसकी मेंबर्स कंट्री हैं, उसके बाद 1 ट्रिलियन तक का अमाउंट है वो इसने अभी तक IMF ने अपनी मेंबर्स कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 0% इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है IMF। मैं आपको बता दूं, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, IMF 0% इंटरेस्ट लोन भी देता है।
इनका मेनली ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ही यही था कि जो भी लो इनकम कंट्रीज हैं उनको हमें अपलिफ्ट करना है, ताकि वो भी एक कंपटीशन दे सके, स्टेबल रह सके, वहाँ के भी जो लोग हैं उनकी भी ग्रोथ हो। देन इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो 24 हैं। स्टाफ जो है इसका वो अप्रोक्सीमेटली 2700 है, जो कि 148 कंट्री से बिलोंग करता है। देन इसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो क्रिस्टन लिगार्डे है, जो कि है 2019 का। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का भी आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, जो कि अभी 2019 का है, तो जैसे जैसे ईयर पास आउट होते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि क्यों हमें IMF की ज़रूरत पड़ी। तो पहले तो ये कि हमें इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉरपोरेशन को प्रमोट करना था। देन सेकेंड है फैसिलिटेट द एक्सपेंशन, कि हमें एक्सपेंशन करनी है अपने ट्रेड के रिगार्डिंग, कि हम जो मटेरियल, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे सिर्फ हम अपनी कंट्री तक ही सीमित ना रखें, उन्हें हम इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक्सपोर्ट करें, ताकि जो हमारी कंट्री में बाहर का पैसा ज़्यादा आए, हम अच्छे से उसे ग्रो कर सके। तो हमें जो ट्रेड है वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा करना है। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी। अब एक्सचेंज स्टेबिलिटी से क्या मतलब? एक्सचेंज रेट होता है, मान लीजिए इंडिया की करेंसी है रुपी और USA की है डॉलर, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ $1 के लिए इंडिया को 70 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सचेंज स्टेबिलिटी है। मतलब कि एक करेंसी लेने के लिए दूसरी कंट्री को अपनी कितनी करेंसी का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो ये होती है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। तो इस एक्सचेंज स्टेबिलिटी को प्रमोट करके रखना, ताकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस ना आए, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी IMF की। देन फोर्थ है असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, कि हमारा जो भुगतान हो वो सिर्फ कैश में ना हो, नेट बैंकिंग हो, उसके साथ साथ हम बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स क्रिएट करें, जिससे कि हम पेमेंट का भुगतान कर सकें या दूसरी कंट्री से हम पेमेंट अपनी कंट्री में रिसीव कर सकें। देन फिफ्थ है हमें डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, ये एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डिफ़िकल्टीज आती हैं हम उन्हें कवर अप कर सकें। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो में मैं आपको थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ उसका। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि जब एक कंट्री दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना कोई भी ट्रांजेक्शन करती है, तो वहाँ से कितना उन्हें रिसिप्ट आ रहा है, कितना पेमेंट दे रहा है, तो इन रिसिप्ट और पेमेंट के रिकॉर्ड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। देन स्ट्रक्चर क्या है IMF का, सबसे पहले हम देखें तो इसके, ये मुझे श्योर नहीं है, इसके 17 या 18 डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप थोड़ा सर्च करें ना, क्योंकि समटाइम मुझे ओवर द इंटरनेट कभी 17 मिल रहा है और कभी 18 मिल रहा है, तो उसके बारे में मेरे को श्योरिटी नहीं है कि डिपार्टमेंट उनके 17 या 18 हैं। आपको अगर इनको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे कमेंट में उसका बता सकते हो। देन जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हम बोर्ड ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और मैनेजिंग डायरेक्टर, इन तीन को कवर अप करते हैं। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर हैं वो हैं 24। ये जो डेली डे टू डे बिजनेस हो रहा है IMF में, जो भी पॉलिसीज बन रही हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उसमें किसी तरह की कोई, वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होने चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये कोई नॉर्मली नहीं होते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो इकोनॉमिस्ट होते हैं। उसके बाद इसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्रिस्टिन लिगार्डे। उसके बाद ये मैनेजिंग डायरेक्टर हेड होता है स्टाफ का, स्टाफ क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, और चेयरपर्सन होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। मतलब कि इनसे ये मैनेजिंग डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन लेगा और जितना भी स्टाफ रहेगा ओवरऑल उनको कंट्रोल करेगा मैनेजिंग डायरेक्टर। जो मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है ये भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू ही होती है, और ये 5 साल के लिए होती है। अब जो लास्ट में आता है वो आता है स्टाफ। तो करंटली अभी IMF में 2400 स्टाफ जो है वर्क कर रहा है। ये थोड़ा अप डाउन चला रहता है, कभी कम हो जाते हैं कभी ज़्यादा हो जाते हैं, और इनमें से जो हाफ ऑफ द स्टाफ है वो इकोनॉमिस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं इनमें से मोस्ट ऑफ सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिन्हें इकोनॉमी की पूरी पहचान होती है कि इकोनॉमी सारी काम कैसे करती हैं। और इनमें से जो मोस्ट ऑफ तो हैं वो वाशिंगटन DC, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है IMF का, ये वहीं पे काम करते हैं। और इनमें से जो कुछ हैं वो IMF के जो ऑफिस हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, वहाँ पे ये काम करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। अब बात करते हैं IMF कोटा के बारे में, ये थोड़ा आपको जानने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब मेनली जो IMF की फंक्शनिंग है उसमें हेल्प करता है इसका कोटा। अब कोटा क्या होता है, बेसिकली ये एक मेंबर कंट्री को मनी कंट्रीब्यूट करनी होती है IMF के लिए, कि जब भी वो उसकी मेंबर बन रही है
अब इंडिया को लगा कि हमें आईएमएफ का मेंबर बनना है, तो उसे मेंबर बनने के लिए कोटा दिया जाएगा कि इस कोटे में आपको आईएमएफ को पैसा देना है, उसके बाद वो उसकी मेंबर कंट्री बन जाएगी। अब पैसा देना और मेंबर बन, इसमें हमारा क्या बेनिफिट है? तो इसमें बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर अगर हमें लगा कि कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन की स्थिति में हैं या हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल सी हो गई है, तो उस केस में आईएमएफ हमारी हेल्प करेगा। तो जैसे कि आईएमएफ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ईच मेंबर को जो कोटा दिया जाता है उसे सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि बेसिकली उसे मनी डिपॉजिट करनी होती है। अब ये देखिए, ये कोटा सिस्टम है इसका। जैसे यूनाइटेड स्टेट है तो सबसे ज़्यादा कोटा जो है वो इन्हीं का है। कोटा शेयर जो है इनका 17.46 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। वैसे उसकी बाद की कंट्री का देखें, जापान का जो कोटा शेयर है वो 6 है, जो कि इसे डबल से भी पूरा नहीं हो रहा है। तो यूनाइटेड स्टेट का जो कोटा शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा किसी कंट्री का कोटा शेयर होगा ना, उतना ही ज़्यादा उसका वोट का राइट होगा। जैसे ये देखिए, इसके वोट शेयर भी 16 पॉइंट है, तो चीज़ बनती है उसमें वोट शेयर भी होता है, जहाँ पे वो सारे मिलके अपनी सहमति देते हैं कि इस पॉलिसी को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसमें जिनका वोट शेयर ज़्यादा होता है वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिव होते हैं वहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको ये बता रहा था कि अगर इंडिया चाहे तो वो यूएसए से ज़्यादा पैसा सबमिट करा के अपना ज़्यादा कोटा खरीद सकता है, लेकिन जो कोटा डिटरमाइन होता है उसका एक मेथड होता है, ताकि कोई भी ऐसे ही नहीं किसी भी शेयर में कोटा को सब्सक्राइब करें। अभी ये कोटा का फॉर्मूला है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, लेकिन जो 14th कोटा रिव्यू था, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये कोटा जो है वो कैलकुलेट करता है आईएमएफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको वेट बता दूँ। वेट क्या होते हैं? यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर होते हैं, जैसे कि जीडीपी, उसके बाद ओपननेस। ओपननेस मतलब होता है कि हम दूसरी कंट्री को कितना अलो कर रहे हैं कि आप हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी कितनी है, इंटरनेशनल रिजर्व्स कितने हैं, उसके बेस पे ये सारे जो है वो फैक्टर हैं। उन फैक्टर को फिर वेटेज देते हैं कि जैसे अब बात करता हूँ जीडीपी की। जीडीपी को दिया गया है 50%, एक कंट्री का जितना भी जीडीपी होगा उसका 50% ले लीजिए। ओपननेस का हमें 30% लेना है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी का 15% लेना है, इंटरनेशनल जितना भी रिजर्व है उसके पास उसका 5% लेना है। इस तरह जितने भी फैक्टर हैं उनका जितना जितना परसेंट है उसका टोटल कैलकुलेट करके हम निकालते हैं एक कंट्री का कोटा। अब एक चीज़ और, जीडीपी जैसे किसी इकोनॉमी की कैलकुलेट होती है, वैसे ही आईएमएफ में ये कैलकुलेट नहीं होते। यहाँ पे इन फैक्टर को डिटरमाइन करने का भी तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जीडीपी जो है आईएमएफ कैसे कैलकुलेट करता है, उसके लिए भी इसने एक फैक्टर रखा है। एक तो मार्केट एक्सचेंज रेट्स क्या चल रहा है, उसको दिया गया है 60% वेब। ट्रिपल पी क्या है, परचेज पावर पार्टी, उसको इन्होंने दिया है 40% वेट। इसी तरह से इन परसेंटेज का जो टोटल रहेगा वो आपका बनेगा जीडीपी। उस जीडीपी का 50% लेके जितने भी हमारे हमारे फैक्टर्स हैं, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे अपना कोटा सिस्टम। अब नेक्स्ट है एरिया डिपार्टमेंट। ये थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि मेरे को कन्फर्म नहीं है कि उसके 17 या 18 डिपार्टमेंट हैं, तो ये एरिया डिपार्टमेंट हो गया। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन एरिया डिपार्टमेंट का मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। जैसे एक है अफ्रीका डिपार्टमेंट, यहाँ पे 45 कंट्रीज़ कवर होती हैं आईएमएफ की। देन एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 33 कंट्री कवर होते हैं। यूरोपियन डिपार्टमेंट है, इसमें 46 कंट्रीज़ कवर होते हैं। मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया डिपार्टमेंट है, जिसमें 31 कंट्रीज़ कवर अप होती हैं। वेस्टर्न हेमस्फीयर डिपार्टमेंट है, जिसमें 34 कंट्रीज जो हैं वो कवर अप होती हैं। उसके बाद मिशन और स्ट्रेटजी क्या है, तो आईएमएफ का जो मिशन और स्ट्रेटजी है वो है स्टेबिलिटी बना के रखना इकोनॉमी के अंदर। तीन तरीके अपना के, सबसे पहला, एक तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका साथ साथ में जो उसकी मेंबर कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी का एक रिकॉर्ड रखना। लेंडिंग देनी है अपनी कंट्रीज को, मेंबर्स कंट्री को, ताकि उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टीज हैं, कोई डेफिसिट्स हैं, उनको वो कवर अप कर सकें। और पर्टिकुलर हेल्प देनी है अपनी मेंबर कंट्री को किसी भी तरह से, जैसे कोई डिप्रेशंस में जा रहा है तो कैसे उसे ओवरकम करें, क्या क्या पॉलिसीज़ वो अडोप्ट कर सकें, क्या क्या वो स्ट्रेटेजी अडोप्ट करें ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। नेक्स्ट है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है आईएमएफ के, सबसे पहले है सर्वेलियंस का काम। सर्वेलियंस जैसे हम देख के आए हैं कि बैंक के बाहर कैमरा लगा होता है, वो निगरानी रख रहा होता है जो भी उसके कस्टमर्स आते हैं बैंक के अंदर, हर किसी पे।
कौन कस्टमर क्या कर रहा है, तो इस तरह से वो सर्विलियंस रख रहा है अपनी मेंबर कंट्री के ऊपर। अब आईएमएफ जो है वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज के ऊपर नज़र रखता है जो भी उसकी 189 मेंबर्स कंट्री हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। तो ये क्या है, एक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इस तरह से पॉलिसी कौन कौन सी कंट्री अडॉप्ट करे, और साथ साथ में वो ये भी हाईलाइट करता है कि इस कंट्री को कौन कौन से पॉसिबल रिस्क जो है वो आने वाले टाइम में हो सकते हैं, कौन कौन सी उसे पॉलिसी की रिक्वायरमेंट रहेगी ताकि वो अपनी इकोनॉमी की अच्छे से ग्रोथ कर सके। जैसे कि हम 1980s की बात करते हैं, वियतनाम में, जो कि बहुत ख़राब समय था उसके लिए। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन जो थी वो 400% बढ़ गई थी, पावर कट बहुत लग रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, गरीबी रेखा बहुत ज़्यादा थी। अब यहाँ पे वियतनाम की ये काफ़ी अच्छी जर्नी रही कि उसने अपने स्टेटस को अपलिफ्ट किया, 40 मिलियन लोग थे जिनको उन्होंने पॉवर्टी के बाहर निकाला 1993 से 2014 के पीरियड में। यहाँ का जो पॉवर्टी रेट था वो भी लगभग 14% पे आ गया 60% से गिरकर। तो यहाँ पे वियतनाम ने काफ़ी थैंक्स कहा था आईएमएफ को कि उसने, उसकी जो पॉलिसीज़ थी उसने काफ़ी अच्छी हमारी हेल्प की है, उसकी एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी था हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, ताकि वियतनाम जो है वो अपनी क्रेडिट रेटिंग को पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में अच्छा कर पाता। नेक्स्ट है लैंडिंग। तो सिंपल है कि आईएमएफ जब भी उसके मेंबर्स कंट्री को ज़रूरत पड़ती है, कोई भी किस तरह का क्राइसिस आता है, डिप्रेशन की स्थिति आती है, कोई उसे डेवलपमेंट करनी है, उस केस में उसे ज़रूरत है फंड्स की, तो यहाँ पे आईएमएफ जो है उसे वो लैंडिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कैपिटल डेवलपमेंट, जितने भी हमारे टेक्निकल असिस्टेंस की सर्विसेज चाहिए होती हैं किसी भी कंट्री को, या फिर उसे अपनी इकोनॉमी को और डेवलप करना है, अच्छे से उसकी ग्रोथ करनी है, अपनी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को और बिल्ड करना है, तो उस केस में आईएमएफ उसको कैपेसिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग देता है। सो आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू।